Hi YouTube, this is Dev and I welcome you all to All About Pets. So aaj hai hamare saath Kartik, Dhanno, all right? And we have whom? We have Griffy. Ab Griffy kaun hai? Griffy hai bhai. Ye Kartik ka cat. She has never even touched a cat. Dikha tune kabhi touch kiya? And believe me, बहुत बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा है. And so we are going out today. 15th August है. Video तो बाद में आएगी. क्या? धर्म तो पूरा. तो what we will do is we will cover Griffy today. आज जितना focus रहेगा हमारा इस पे रहेगा. अभी तो देखिए ये बैठा हुआ है. मैं स्विच करता हूँ कैमरा. आतंकवादी है. ऑप्शन नहीं है. So guys, स्विच हो चुका है कैमरा. कोई बात नहीं. आईफोन नहीं तो क्या हुआ? एंड्रॉइड जनता बात है. देखिए, सो ही इज अ सेमी पंच मेल. मैं दिखा देता हूँ. एज कितनी है कार्तिक इसकी? 90 डेज. देखो, कंफर्म 90 डेज का ही है. तो क्योंकि इसको 3 महीने पूरे हो गए हैं, सो कार्तिक वांट टू गिव हिम अ ट्रीट, राइट? तो आज हम घूमी घूमी करेंगे कार्तिक के कार में. सो दिस इज व्हाट आई एम गोना अपलोड टुडे. और थोड़ी बहुत जो इसके केयरिंग के बारे में कार्तिक से जानेंगे फ्रॉम द ओनर डायरेक्टली. ऑलराइट, मजाक नहीं कार्तिक, तुझे बताना पड़ेगा. बताएगा ना? सो ये दिन में सारा दिन सोता है. अच्छा. रात को ही जागता है. अच्छा. और एक दिन में मतलब रोज ही से एक बार शुगर रश होता है. अच्छा. इसमें ये पागल हो जाता है. अच्छा. और जैसा ये भागता है वैसे कोई नहीं भागता है. अच्छा. घर में इसको सारे पीछे पड़ जाते हैं पकड़ने के लिए. बट देन जब हम रात को सोते हैं ये जागता है. तो देखो, हमारे पास ये है फोटोग्राफर. He knows Germany and French and all. German, और भले ये बैठा हुआ हो इतने प्यार से, आई एम प्रीटी श्योर, 110% श्योर ये मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे इसके ओनर्स बताते हैं. आई हैव सीन हिज वीडियोस जिसमें ये उछलता कूदता हुआ रहता है. एनीवे, फर्स्ट टाइम तो नहीं ट्रैवल कर रहा. फर्स्ट टाइम नहीं, कार्तिक से ज्यादा यही घूमता होगा गाड़ी में. इसके पीछे बैग पड़ा जिसमें पॉटी कर दी थी. अरे रे रे, नहीं ऐसे गंदी बात नहीं, साफ है. बदबू कहां से आ रही है? एनीवे कार्तिक देख, अरे रे 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 रे, इधर चला गया. ये गोदी में बैठता है. गोदी में बैठता है. देखो कार्तिक की गोदी में बैठ गया. नहीं नहीं कुछ नहीं, काट लेगा तो कुछ नहीं करेगा. कुछ नहीं करेगा, पंजे वंजे दे. बस पंजे इसके थोड़े हैं वो. इसको ना ऐसे पकड़, ऐसे. एनीवे, तो देखिए कार्तिक से हम पूछना चाह रहे थे कि इसकी केयरिंग कैसे करता है. कार्तिक ने ये बता दिया, सुबह सोता है, रात में जागता है, हमें परेशान करता है. कार्तिक जी, केयरिंग यार इसकी दिन में 2 बार कॉम्ब होती है. अच्छा, ठीक है. स्प्रे होता है इसका, अलग से स्प्रे आया है. कौन सा स्प्रे है? केस करके कुछ है. अच्छा. उससे इसका बॉडी की ओडोर खत्म होती है. अच्छा, ठीक है. एंड वैसे कैट्स का ये है गाइस कि कैट्स को ना नहलाते नहीं है, नहलाना नहीं चाहिए. रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि कैट्स जो है ना अपने आप को लिक कर करके अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, सेल्फ क्लीनिंग एनिमल्स. तो अगर उनको आप उनके फर को अगर आप भिगोते हैं तो वो चीज़ ना खराब हो जाती है. ठीक है, तो कैट्स को नहीं नहलाए. बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो उस टाइम पे वेट टॉवल से आप उसको धो सकते हैं, राइट? स्पॉन्ज बाथ जिसको कहते हैं, है ना, अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में. एनी वे, ये जरूरी था. ये तो अरे ऐसी थोड़ा गूगल वाले नाम के गूगल वाले. हाँ बिल्कुल, हम गूगल में, तुम गूगल वाले बात ही बातें करेंगे. वो तेरे को तीन बार में जाता थे चलते. तो यहाँ तक तो ठीक है. और खाने में क्या क्या है बताएं? खाने में इसका एक वेट फूड है, एक नॉर्मल फूड है. नॉर्मल फूड बिस्किट्स है. थोड़ा सोचा बोलना पड़ेगा कार्तिक. खाने में दो चीजें हैं. खाने में दो चीजें हैं. वेट फूड है इसका, जो तूने मुझे बताया था कि 3 दिन में एक बार देना है, ज्यादा नहीं देना. बिस्किट्स मैं इसको रोज देता हूँ. बिस्किट्स में वही अमेरिका से. यस, इन अ वे की डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, तो मैंने इसको एक बार पनीर दिया था. पनीर खा गया था एकदम चटक चटक. लेकिन देना नहीं चाहिए, पता है? देना नहीं चाहिए. मतलब अगर आपके पास कैट किटन्स हैं तो फिर भी एक टाइम तो आप डेयरी प्रोडक्ट सोच सकते हैं. बट अगर आपका किटन बड़ा हो रहा है, मतलब ही इज लाइक 3 मंथ्स ओल्ड नाउ, और नीचे जाके ना सो गया, अब बैठ गया, वो आराम से रेस्ट करेगा. तो इसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे. एंड
ही इज टू अफ्रेड ऑफ स्मॉल स्नेल्स. अच्छा, इतना फटेड़ू इंसान है तो स्मॉल कुछ नहीं करता. आपने कहां से आते करते? अरे बारिशों का मौसम है ना, तो यार वो नीचे से आ जाते हैं घर पे. देखिए मतलब ग्राउंड फ्लोर वालों का यही हाल होता है. हां ना, सही होता है. मतलब रहता थोड़ा जंगल टाइप की जगह पे है, डजंट माइंड. लो जनकपुरी का घर है तो समझ लो डीडीए फ्लैट है, वो भी समझ लो. वैसे एनीवे अगर मैं यार अपना कैमरा हाल हटाऊंगा नहीं तो रहने देते. अदरवाइज आई विल शो यू हाउ ही इज रेस्टिंग राइट नाउ. ठीक है, और कितना खाना देता है तू? इतना सारा नहीं, इसके छोटे छोटे बाउल है. एक बाउल में पानी है, एक बाउल में इसका बिस्किट रहता है. तो भाई कहाँ जा रहे हम? कार्तिक KCCI जा रहे हैं. क्यों जा रहे? नहीं चलना, कोई नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है. ओ ओ ओ KCCI जा रहे हैं. ठीक है, KCCI जा रहे हैं. और बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रिफिन से. मुझे ना वो नॉवल याद है अपनी, ग्रिफिन द इनविजिबल मैन, उसकी याद आ जाती है. हाँ, और इसको पता है, इसको नींद यहाँ पे सबसे अच्छी यहीं पे आती है. तो कार्तिक ने कहा कि डरता है कार्तिक, बोलता है कि इससे डरता है, बट डर तो नहीं रहा कार्तिक. और वो तेरे पे कूद जाएगा तो नहीं कूदेगा. डरा मत यार, सोने दे इसको. मत करना, सोने दे उसको बेचारा. सोचा बेटा सोचा.